कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन को देश में इमरजेंसी मंजूरी मिल गई है। कोवैक्सीन का डोज लेने वाली देश की पहली महिला रिपोर्टर बनी है न्यूज 24 की पल्लवी झा। हमारी बहादुर रिपोर्टर पल्लवी झा दिल्ली के एम्स में आज कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनी है। पहली बार ऑन कैमरा कोवैक्सीन का डोज लेने वाली पल्लवी झा आपको एक एक बात पूरा प्रोसेस बताने वाली है। और सबसे पहले सुनिए पल्लवी झा ने कैसे कोवैक्सीन का डोज लिया। भारत में कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने भी कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया और उसकी डोज ली। पल्लवी कोवैक्सीन की डोज लेने वाली पहली महिला रिपोर्टर हैं। कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनी बहादुर रिपोर्टर पल्लवी झा बता रही हैं कि कैसे आपको टीके दिए जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि कोवैक्सीन संजीवनी बूटी की तरह ही पूरे देशवासियों के लिए काम आए और जितनी मेहनत हमारे वैज्ञानिक हमारे हेल्थ वर्कर्स ने की है ये वैक्सीन उम्मीद पे खड़ा उतरे और सबकी जान बचाए। और इसीलिए हमने ये लगा लिया है ताकि जो डर जो भय जो कंफ्यूजन आपके मन में है वो दूर हो जाए। और पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त। कोवैक्सीन का डोज लेने से पहले पल्लवी झा ने उन सारे मानदंडों का पालन किया जो विशेषज्ञों की कमेटी ने बनाए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे वैक्सीन से पहले पल्लवी झा के ब्लड टेस्ट किए गए। पल्लवी झा से ही सुनिए पूरा प्रोसेस। दो शॉट जिंदगी के लगने से पहले का एक शॉट है जिसके जरिए ये ब्लड लेंगे और ब्लड लेने के बाद आप आईजीजी टेस्ट, ये आईजीजी टेस्ट होता है जो कि ये पता करता है कि आपके शरीर में कभी एंटीबॉडी बनी, आप कभी संपर्क में आए या नहीं आए उसको लेकर के। इंजेक्ट हो गया है, ब्लड आ रहा है, ये आईजीजी टेस्ट होगा जो कि मुझे बाद में पता लगेगा। ये प्रोटोकॉल में आता है, ये तमाम जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी से पता लगेगा कि जब आपको वैक्सीन मिली तो आपको जो एंटीबॉडी बना वो वैक्सीन की वजह से वजन बना या फिर आप उसके संपर्क में पहले ही थे और उस वजह से पहले से ही आपको एंटीबॉडी बन गई थी। दो शॉट जिंदगी के लगने से पहले का एक शॉट है जिसके जरिए ये ब्लड लेंगे और ब्लड लेने के बाद आप आईजीजी टेस्ट, ये आईजीजी टेस्ट होता है जो कि ये पता करता है कि आपके शरीर में कभी एंटीबॉडी बनी, आप कभी संपर्क में आए या नहीं आए उसको लेकर के। इंजेक्ट हो गया है, ब्लड आ रहा है, ये आईजीजी टेस्ट होगा जो कि मुझे बाद में पता लगेगा। ये प्रोटोकॉल में आता है, ये तमाम जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी से पता लगेगा कि जब आपको वैक्सीन मिली तो आपको जो एंटीबॉडी बना वो वैक्सीन की वजह से वजन बना या फिर आप उसके संपर्क में पहले ही थे और उस वजह से पहले से ही आपको एंटीबॉडी बन गई थी।